तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराने जा रहे हैं या अपना घर बनाने जा रहे हैं तो जरा रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका घर अल्ट्रा लग्जरी एंड रिच फील तो देगा ही देगा, लेकिन कैसे आपकी और आपकी फैमिली की डेली लाइफ प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर देगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच पे, और मैं आपका टेक कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सरवा, जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है लेआउट। हमने एक एंटरप्रेन्योर के घर को चार जोन में डिवाइड किया, मतलब लेआउट को चार जोन में डिवाइड किया। फर्स्ट जोन इज वेटिंग ड्राइंग रूम एरिया, सेकंड एंटरटेनमेंट कम रिलैक्सेशन जोन एरिया, थर्ड बेडरूम बाथरूम एंड वो वाला एरिया, एंड फोर्थ कॉमन फैमिली एरिया, जहां पे जैसे ड्राइंग डाइनिंग किचन ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले आता है वेटिंग ड्राइंग रूम एरिया। तो हमेशा आपको एक ऐसा वेटिंग एरिया, अलग से छोटा सा एरिया हो, 10x10 का ड्राइंग रूम ऐसे डिजाइन करना है जो देखने में अगेन लग्जरी दिखे, लेकिन वहां से जाने के बाद अंदर ऐसा डिजाइन हो अंदर वाला बाहर देख पाए लेकिन बाहर वाला अंदर बिल्कुल ना देख पाए। इससे आपका प्राइवेट जोन प्राइवेट रहेगा और सिक्योर रहेगा। और इससे अगर आप घर पे नहीं हो तो एक डिलीवरी वाले को अभी हो जाता है कि जैसे डिलीवरी वाला आया, डिलीवरी बॉय आया, तो वहां पे उसको भी घर में अंदर पता नहीं चलेगा। अब यहां पे आप रूम की जगह बहुत ही सुंदर पार्टीशन का यूज कर सकते हो, जो मैं आपको आगे स्टेप 9 में बताऊंगा। अब जो सेकंड जोन आता है वो होता है एंटरटेनमेंट कम रिलैक्सेशन जोन। ज्यादातर वीडियोस में मैं ये दोनों रूम्स को अलग करता हूं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में ये दोनों कंबाइंड होने चाहिए। अब इन दोनों को हम कैसे कंबाइन करेंगे वो जानते हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसा रूम है जो हमें मजबूर करेगा कि ऑफिस के बाद यार हमारा एक घर भी है जहां हमें जाना है, और ये ही रूम एक वो ऐसा होगा। तो एंटरटेनमेंट कम रिलैक्सिंग जोन में आपको टोटल 7 एलिमेंट्स रखने हैं, और इस रूम का एरिया जो है अप्रॉक्स 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो चीजें बहुत कंजेस्टेड होंगी और देखने में वो वाली फील नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है रग, दैट्स राइट। उसका जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए बेज या ग्रे, या दोनों का कलर कॉम्बिनेशन एक सा हो सकता है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये आपको अल्ट्रा रिच और लग्जरी फील देगा, साथ के साथ आपको काम रखेगा। सेकंड जो आपको रखना है वो है रेक्लाइनर, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मशीन वाला रेक्लाइनर नहीं रखना है, यहाँ आपको रखना है मैनुअल वाला रेक्लाइनर। और हमेशा ध्यान रखना कि वो वाला रेक्लाइनर जिसका पीछे जो बैक होता है उसमें एक पफ हो। इससे क्या होता है कि अगर आप मूवीज या रिलैक्स कर रहे हैं तो अपनी गर्दन को अपनी नेक को ऐसे बेंड ना करना पड़े और अगेन यहाँ पे स्ट्रेन ना आए। थर्ड जो हमें यहाँ चाहिए बिग साइज टीवी, क्योंकि अक्सर जब हम घर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर बच्चे हैं तो पापा आएंगे मूवी देखेंगे साथ वहां हो जाएंगे, तो चाहे एक घंटा ही सही मिले, लेकिन जैसी फैमिली के साथ हम एक घंटा बिताते हैं तो एक घंटा भी मोर देन इनफ हो जाता है। चौथा जो है यहाँ पे हमें फॉल सीलिंग ऐसी रखनी है बिल्कुल सिंपल एंड स्लिक, जिसमें हम कोव टुवर्ड्स दी वॉल, जिस फॉल सीलिंग बोलते हैं, थोड़ा देखो। फिफ्थ है हमारा चेयरफुल कलर्स, मतलब कि लाइट ब्लू, लाइट येलो या ब्राइट येलो, ये कलर्स हमें डालने हैं जिससे कि हमारा मूड जो है हमेशा एक्टिवेट रहे और एक अच्छा मूड रहे, अच्छी एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स रहे। अब जो छठा एलिमेंट है वो है मिनी बार, दैट्स राइट, कि अगर आप ड्रिंक करते हो यू अलोन और यू कैन विद समवन मेक अ ड्रिंक फॉर यू एंड रिलैक्स As you want. Seven जो पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है RGB लाइट्स, जिसमें 16 मिलियन कलर्स होते हैं लाइट के। अब जो थर्ड जोन आता है वो होता है बेडरूम बाथरूम एंड फाइव वाला जोन। Hey guys, sorry for the disturbance, but एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूँ इंडिया ट्रेवल, जहां मैं करने वाला हूँ 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में, टिल देन एंजॉय द वीडियो। तो एक एंटरप्रेन्योर वाइफ या गर्लफ्रेंड के हिसाब से रूम कैसा डिजाइन होना चाहिए, उसके लिए कुछ फोटोज देखते हैं, लेट्स हिट इट। यहाँ पे आप कंटेम्पररी, ट्रेडिशनल, लग्जरी जो आप फील चाहे वो सारी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ एंटरप्रेन्योर को बाथरूम जो है वो अपने हिसाब से डिजाइन करना है, क्योंकि सोच शौचालय से आती है, जो कि रेडियो एफएम पे भी था, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। जब मैंने सारे इंटरव्यूज किए तो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को या क्रिएटिव लोगों को या जो विजनरी लोग हैं उनके सबसे ज्यादा आइडिया या तो वॉशरूम्स में आते हैं, या जब वो एंटरटेनमेंट जोन में होते हैं तब आते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं या नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे भी पूरी साइंस है जिसको मैंने स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है, बट वो यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो बाथरूम को डिजाइन करते हुए आपको 6 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला निश, सेकंड आपको WC पास हमेशा चार्जिंग पॉइंट रखना है, क्योंकि अक्सर एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठ के अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा तो शेयर मार्केट देखेगा ही देखा, इंस्टा देख सकता है, मेल देख सकता है, वहां पर्टिकुलरली वो ये देखेगा ही देखेगा। थर्ड जो पॉइंट है, जो अभी तक आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, ना इन होटल्स में, ना 5-star, ना रिसॉर्ट्स, कहीं भी देखा हो, वो है कंसील्ड डस्टबिन। फोर्थ जो आप यहाँ पे सीलिंग रखनी हो, सीलिंग का कलर रखना है डार्क ग्रे, और सीलिंग हमेशा पैक्ड होनी चाहिए, कोई कोव लाइट उसमें नहीं डालनी है। फिफ्थ, यहाँ पे सारी जो लाइट्स है वो नेचुरल होनी चाहिए, 4K की होनी चाहिए, 4K मतलब वो पिक्चर वाली नहीं, 4K टेम्परेचर। इससे जो बाथरूम की फील है ना बहुत ही अमेजिंग आती है। और जो सिक्स्थ है वो है आपको हमेशा डार्क रूम्स के या लो फील या लो फाई वाले बाथरूम्स रखने हैं।
बताऊंगा नहीं, सीधा फोटो दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वॉशरूम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स हिट इट। तो सेकंड आता है यहाँ पे फर्नीचर लेआउट। अब एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ऑर्गेनाइज रहना पसंद करता है और उसके घर वाले ऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो फर्नीचर रखना है वो ऐसा रखना है जिसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारी चीज़ें और सारी चीज़ें अपनी उसी जगह पे रहे। जैसे कि आप सोफा लो तो उसके अंदर बैक साइड से हमने सामान रखा है, देखो हमने जो डिज़ाइन किया, फोटो देखो। अब यहाँ पे स्टेप थ्री आता है फॉल्स सीलिंग। अब एंटरप्रेन्योर के घर की जो सीलिंग है वो अल्ट्रा लग्जरी फील देनी चाहिए, और फॉल्स सीलिंग को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो है कि अगर रूम का साइज बड़ा है तो कैसी, छोटा है तो कैसी, हाइट ज्यादा है तो कैसी, तो ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत वायरल होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो कैंड में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब जो स्टेप फाइव आता है लाइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूंगा, इस पर ऑलरेडी वीडियो है, वो आपको अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो कैंड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेजर ट्रिक दे रहा हूँ, वो ट्रिक ये है कि आपको जहाँ भी स्टडी एरिया या पढ़ने वाले हैं या बुक्स पढ़ने वाले हैं, आपके घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे जो रीड करते हैं, वहां पे आपको हमेशा डालनी है व्हाइट लाइट, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा ऑफिस में अक्सर व्हाइट लाइट्स होती हैं। सेकंड, आपको ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, लॉबी, पैसेज, फॉयर, इन छह एरियाज में हमेशा आपको नेचुरल लाइट डालनी है। ये नेचुरल लाइट वो नहीं है जो सन से आ रही है, नेचुरल लाइट जो सीलिंग में लगती है वो वाली लाइट की बात कर रहा हूँ, और वो भी सीओबी होनी चाहिए। और थर्ड जो होती है वो होती है वार्म लाइट्स, ये आपको डालनी है जनरली अपने बेडरूम्स में, अगर पसंद आए तो आप नेचुरल पे भी जा सकते हो, लेकिन वार्म लाइट डालोगे तो इससे फायदा क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर जब बेड पे लेटता है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, उसका माइंड हमेशा चलता रहता है, उसे नींद आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर वार्म लाइट आपके घर में है, इसलिए आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर हमेशा ब्लू लाइट फिल्टर होता है जो वार्म हो जाता है। अब स्टेप सिक्स आता है वॉल पैनलिंग। वॉल पैनलिंग का मतलब हो गया कि घर के अंदर कैसी वॉल्स हैं, जैसे कि मतलब मैंने यहाँ पे वॉल ट्रिम्स कराई हुई है, इधर कुछ और कराया हुआ है, तो इस टाइप की सारी चीजें। अब ये कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप बोर हो जाओगे। ऑलरेडी इस पे वीडियो बनी हुई है, आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से देख लेना। अब आता है स्टेप सेवन कलर पैलेट की, भाई वॉल पैनलिंग होगी, सारी चीजें होगी, कलर्स भी तो बता दो। तो सिंपल है, अगर आपको सुपर अल्ट्रा लग्जरी की रिफील चाहिए तो आपको हमेशा ग्रे थीम इंटीरियर, व्हाइट थीम इंटीरियर या बेज थीम में जाना है। अगेन सॉरी गाइस, बट इस पे भी वीडियो बना हुआ है डिटेल में, जो अगेन नीचे है, इनमें से जो वीडियोस आप चाहो देख सकते हो, तो ऑलरेडी वो वहां पे है। स्टेप एट आता है डेकोर, दैट्स इट। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप फॉर्मल ड्रेस कर पहन के कहीं जा रहे हो, तो आप सोच के देखो कि आपके पास वॉच नहीं है, बेल्ट नहीं है, या कुछ और आपने टाई नहीं लगाया हुआ है, जो भी चीज़ है, तो आपको अधूरा नहीं लगेगा। सेम गोज फॉर द इंटीरियर डिजाइन, कि आपने घर तो सुंदर बना लिया लेकिन उसमें अगर डेकोर के प्रोडक्ट्स नहीं लगे तो बहुत ही अधूरा लगता है। तो एक एंटरप्रेन्योर और उसकी फैमिली के लिए बेस्ट मैं कुछ आपके लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ के लाया हूँ जो आपके घर को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट क्या और भी ज़्यादा ही ब्यूटीफाई कर देंगे। तो मैं आपको सीधा आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जो आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव वाइब देंगे। अब आता है स्टेप नाइन की, जिन लोगों के स्पेस की कमी है तो यहाँ पे आपको करना है स्पेस सेविंग फर्नीचर। अब मैं आपको सीधा समझाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि एक स्पेस है जिसमें 11x9 फीट का रूम है, जिसमें उस रूम के अंदर स्टडी रूम भी है, बेडरूम भी है, वार्डरोब्स भी हैं और लाइब्रेरी एरिया भी है। ये चार चीज़ें 11x9 फीट में है पॉसिबल? नहीं ना, तो सीधा वीडियो देखो एंड लेट्स हिट इट। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है स्टेप 10, होम इंटीग्रेशन। अब हमने जिस एंटरप्रेन्योर का घर डिजाइन किया था उसके ऑलरेडी फोटोज हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिए, लिंक नीचे, आप चाहो वहां से देख लेना। अब यहाँ पे स्मार्ट होम इंटीग्रेशन का सबसे फायदा क्या है कि सपोज करो एक एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली लेट ही आएगा घर पे, तो आप किसी को फोन करो, उठाओ, उनकी नींद खराब करो, या पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बट उनको रात को परेशान करना, या बच्चे हैं तो उनको सुबह उनको तैयार भी करना हो, तो उनकी नींद खराब ना हो, तो हमेशा स्मार्ट लॉक लगाओ जिससे कि आप OTP या वाईफाई या थंबप्रिंट से खोल सको और इजीली अंदर जाओ और सो जाओ किसी को डिस्टर्ब किए बिना। और सबसे बड़ी चीज कि आप बैठे बैठे अगर काम कर रहे हैं या सोने जा रहे हैं कि अलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स, अलेक्सा ओपन द कर्टेंस, ये सारी चीजें आपकी वॉइस कंट्रोल हो तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए पैसा नहीं, टाइम सबसे जरूरी है, और ये मैंने बहुत ही जल्दी रियलाइज कर लिया था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैंने डेली लाइफ के एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम में कुछ मिस कर दिया तो कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट। और गाइस फाइनली अब एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि मैं कर रहा हूँ पूरे इंडिया में ट्रैवल, जहाँ पीछे हमारा विजन है मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल, और ये साइट विजिट मेरी और मेरी टीम की एक साथ होगी, जिसके पैसे लगेंगे जीरो, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको ये फॉर्म भर देना है। अगर हमारे सारी चीजें सेट बैठती है तो हम आपके घर आएंगे और आपके घर को डिजाइन करेंगे, वो भी
जीरो कॉस्ट में। और ये ट्रेवल जो शुरू होना है ये जनवरी मिड या जनवरी एंड में शुरू हो जाएगा, तो फटाफट फॉर्म भरना शुरू कर दो।